तो अभी हम लोग माहिम के लिए शॉप विजिट कर रहे हैं, तो मैं ये माहिम रोड पे खड़ा हूँ। यहाँ पे ये मेट्रो का अभी काम चालू है और ये अपना सबवे है और उधर ये अपना मेट्रो का यहाँ पे काम चालू है और ये ऊपर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है आसपास और नीचे कमर्शियल। तो ये अपनी बिल्डिंग है, ऊपर पूरा रेजिडेंशियल है, पूरा नीचे से ऊपर तक रेजिडेंशियल है, लेकिन जो बिजली का बिल है वो कमर्शियल ही है। अपने को ये पूरा ग्राउंड फ्लोर का एरिया मिल रहा है, यहाँ इस साइड का अपने को एरिया मिल रहा है। तो वैन की बात करेंगे तो वैन मॉर्निंग में अगर यहाँ आ जाएगी तो यहाँ से ये 10 स्टेप में हम अपने वो शॉप तक पहुँच जाएंगे। पार्किंग के लिए ये हम अंदर पूरा कहीं भी पार्किंग कर सकते हैं, यहाँ से अब आ सकते हैं अंदर और कहीं भी बाइक पार्किंग कर सकते हैं अंदर। वेंटिलेशन बाहर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे अगर बाहर निकालते हैं तो ये बाहर आ जाएगा और शॉप के इस साइड में भी वेंटिलेशन कर सकते हैं। देखिए शॉप का ये राइट साइड है, यहाँ पे भी वेंटिलेशन कर सकते हैं, लेकिन बीच में गली है और ये बगल में रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो अगर डक्ट ऊपर लगाएंगे तो काम हो जाएगा। अपनी जो एंट्री रहेगी वो यहाँ से रहेगा, ये दो गेट है, ये एक गेट है प्लस वो गेट है। बीच का दीवार हटा सकता है, ये अपन रिमूव कर देंगे ये पूरा, तो अपने को बैक साइड का ये स्पेस मिल जाएगा प्लस वो एक बैक डोर है, ये बीच का रिमूव कर देंगे तो इतना प्रिमाइस एरिया और मिल जाएगा अपने को। ये एक रूम है छोटा सा। तो हाइट का अगर बात करेंगे तो 10 फीट इसकी हाइट है, यहाँ पे अपन कहीं भी वेंटिलेशन कर सकते हैं। ये अपना फ्रंट रहेगा, ये भी एक डोर है जो अभी मैं दिखाया था। तो टोटल एरिया है 637 एरिया है। अगर ब्रिथ की बात करेंगे तो 24 है, मतलब उस कॉर्नर से लेके वो उस कॉर्नर तक अपना 24 है और 27.5 पूरा ये लेंथ है, वो उसके पीछे भी 3.5 एरिया है, तो टोटल यहाँ से लेके वहाँ तक 27 एरिया है, 0.5 है। इलेक्ट्रिसिटी अपने को 3 फेज मिलेगा, वाटर 24 आवर बीएमसी मिलेगा और ये अपना सामने रोड रहेगा, ये अपनी पार्किंग एरिया रहेगी। तो तोड़फोड़ यहाँ पे पूरा कर सकते हैं, तो अपने को 630 एरिया मिल जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे पानी का टंकी लगा हुआ है, 1000 लीटर।